हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बाइसेप्स का वर्कआउट, क्योंकि भाई बाइसेप्स सबका फेवरेट पार्ट है। सबको अपने मसल्स में जो भी बॉडी पार्ट है उसमें सबसे पहले बाइसेप्स पड़ा करना होता है, और दिखता भी भाई बाइसेप्स है। तो सारे बॉडी पार्ट जरूरी है, लेकिन बाइसेप्स की आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर आपका बाइसेप्स ग्रो नहीं कर रहा है, इस एक्सरसाइज से आप उसको डेवलप कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तो 3 से 4 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा आज मैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हाय गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो आगे शुरू करते हैं, उससे पहले भाई आपको बता दो, आफ्टर कोविड यार हेल्थ के लिए हम सब लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर एंड कर्क्यूमिन प्लस पाइपराइन। दोनों प्रोडक्ट के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। गाइज, हेल्थ विद एप्पल साइडर विनेगर या 500 mg विद पोमेग्रेनेट एंड B6 वेट लॉस, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, हार्ट हेल्थ और शुगर फ्री 10 FR7 टेबलेट्स ग्रीन एप्पल फ्लेवर में आता है। एप्पल साइडर विनेगर आपकी स्किन को अच्छी करता है, आपको एक्ने से बचाता है एंड स्मूथ एंड स्पॉटलेस स्किन मेंटेन करने में हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर काफी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इससे अननेसेसरी जो आपको भूख लगती है ये आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है, और इससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। उसी के साथ गाइस, ये आपके डाइजेशन को अच्छा करता है एंड आपको गैस्ट्रिक और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट तो करती है, उसके साथ में आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी इंप्रूव करती है एंड आपकी बॉडी से अननेसेसरी जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने में हेल्प करती है। यूज करने के लिए आपको 1 FR7 टैबलेट 200 ml वाटर के अंदर डालनी है। ये बहुत ही क्विकली आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद आप अपनी ड्रिंक को एंजॉय करें। उसके बाद गाइस, जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो हेल्थ विद टर्मरिक कर्क्यूमिन 250 mg विद, के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपके जॉइंट्स को बहुत हेल्दी रखता है। इसकी भी आपको 10 शुगर फ्री एफरवर्सन टैबलेट मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस, कर्क्यूमिन एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि हाई इन एंटीऑक्सीडेंट होती है एंड ये काम क्या करती है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको अच्छा ब्लड फ्लो प्रोवाइड करवाती है, आपको अच्छी वैस्कुलरिटी पंपिंग देती है। उसी के साथ ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। सबसे मेन फायदा, आपके स्ट्रेस हार्मोन को सप्रेस करता है और आपके डिस्कम्फर्ट को खत्म करता है। इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विद 25-30% कर्क्यूमिनोइड्स। उसी के साथ ही आपके कार्डियोवैस्कुलर जैसी प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करता है और आपके जॉइंट हेल्थ को भी अच्छा रखता है, क्योंकि अगर आप जिम जाते हैं और बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं तो आपके जॉइंट्स हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको इन फ्यूचर इंजरीज ना हो। इसकी भी आपको 1 FR7 टैबलेट 200 ml वाटर के अंदर लेनी है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से पहले लेना। इनके नेचुरल प्रोडक्ट्स है, हेल्थ विद प्रोडक्ट्स आर मेड विद वेगन, सोय फ्री, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, नो आर्टिफिशियल कलर, नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो GMO एंड कीटो फ्रेंडली। आप भी जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। अभी मेरा ये थर्ड वर्किंग सेट है, मैं इसके बाद एक सेट और लूंगा। इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको बताऊंगा वो जो टेक्निक आपको यूज करनी है। लास्ट वर्किंग सेट है और इसके मैं मैक्सिमम 3 या 4 या 5 रैप निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाइसेप्स का सिंपल सा फंडा, अगर आपको अपने बाइसेप्स को ग्रो करना है तो ये छोटी मसल है, इसको आप जितना ज्यादा लोड दोगे उतना ज्यादा आपका बाइसेप्स ग्रो करेगा। हैवी वेट में आपको जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा आपकी फॉर्म भी खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद मैं बताऊंगा जो टेक्निक है आपको बाइसेप्स के ग्रो करने में हेल्प करेगी, वो टेक्निक क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। इस वर्किंग सेट के बाद वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिए मैंने 5 रैप। तो गाइस, जिस टेक्निक के लिए मैं बोल रहा था आपको बाइसेप्स को ग्रो करने के लिए, तो आपको करना क्या है, जब भी आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे जो आपकी पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी बारबेल रोड से। तो आप देख सकते हैं वेट इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए। तो इसमें आपको 3 वेरिएशन लेनी है, मैं इस एक्सरसाइज को 3 वेरिएशंस ऑफ एक्सरसाइज बोलता हूँ। इसके अंदर आपको वाइड मारने हैं, रेगुलर मारने हैं एंड नैरो मारने हैं। तो ये जो आपका ओवरऑल जो बाइसेप्स है ना उसको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइज, पहले आपको वाइड ग्रिप लेनी है, फिर उसके बाद आपको रेगुलर ग्रिप लेनी है, फिर उसके बाद आपको अपनी नैरो ग्रिप लेनी है। तो इस तरीके से आपको एक बार मैं डेमो देके दिखा देता हूँ। मेरे साथ जैसे मेरा जिम पार्टनर है निक्कू,
तो अभी इसको बाइसेप्स को ग्रो करना है आपको, तो इसमें क्या करना है, इसको 10 रैप निकालने हैं पूरे फुल रेंज ऑफ मोशन वाइड ग्रिप से। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइस, ये बड़ा टफ होने वाला है, रेगुलर ग्रिप। अब इसके बाद प्लेट 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 अंदर, हाँ, उसके बाद अब आपकी बिना रेस्ट लिए रेगुलर ग्रिप, इसमें भी आपके 10 रैप जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, देखने में आपको बहुत इजी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको परफॉर्म करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको जो बाइसेप्स है पूरा सोर हो जाएगा। तो इसके भी आपको 10 रैप निकालने, इसको कंप्लीट होने के बाद में आपको करनी है नैरो ग्रिप। देखो अभी पूरा बाइसेप्स पंप हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वर्कआउट के बाद में। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा लगा भाई पंप? बाइसेप्स देख लो, मैंने तो वर्कआउट कर लिया। अगर आपको भी अपना बाइसेप्स बड़ा करना है तो उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज आपको करने हैं। सेट लेने हैं आपको, 4 सेट लेने हैं इसके। मीडियम वेट रखना है आपको, मतलब बहुत हैवी वेट भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना। पूरे आपको 10-10 रैप लेने हैं हर सेट के अंदर, तो टोटल एक जो सेट बनेगा आपका 30 रैप्स आएंगे उसके अंदर। तो बहुत टफ एक्सरसाइज होने वाली है, और रेस्ट रहेगा इसके अंदर 2 मिनट का। रिपीटेशन जितनी स्लो होगी उतना पीक पे असर आएगा, रिजल्ट आएगा। वो अभी मैंने आपको जल्दी जल्दी, इसलिए थोड़ा वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा जल्दी करके दिखाया है। जो सेकंड वर्किंग सेट है वो लेंगे हम स्पाइडर कर्ल। आप इंक्लाइन पे भी ले सकते हो और ये वाली पोजीशन में भी ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या है ना, पूरा का जो पूरा ग्रेविटी ऑफ होल्ड है वो आपके बाइसेप्स पे रहेगा, और पूरा बाइसेप्स के ऊपर लोड आएगा, और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके बाइसेप्स को ग्रो करने की। पोजीशन देख लेना एक बार, आपने देखी भी होगी और शायद करी भी होगी। इसके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, 1 सेकेंड होल्ड और स्लो रिलीज, होल्ड स्लो रिलीज, होल्ड स्लो रिलीज, साइड से दिखा, इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 सेट लेने हैं। मैं आपको एक ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और ये होगी आपकी दूसरी एक्सरसाइज, थर्ड वर्कआउट होगा वो होगा आपके पीक के लिए, क्योंकि भाई बाइसेप्स आपका तभी बड़ा दिखेगा जब आपकी पीक ग्रो होगी। तो इस पीक को बड़ा करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है एंड सबसे मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है प्रीचर। मारते तो सब है, सबको पता है कैसे लगती है, बट इसमें थोड़ी पोजिशन का ध्यान रखने वाली बात यह है, उसको परफॉर्म करेंगे ना तो आपको इसे पूरा नीचे लेकर नहीं आना है, आपको इसे यहाँ तक लाना है, ये एंगल रहेगा आपका, एंड आपको पूरा ऊपर भी नहीं लेकर आना, और ये एंगल रहेगा आपका। तो ये मिड एंगल के अंदर, इस रेंज ऑफ मोशन के अंदर आप परफॉर्म करेंगे तो जो सारा का सारा लोड है, सारा का सारा अटेंशन है आपके बाइसेप्स के ऊपर रहेगा, और इंजरीज के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप अपने वर्कआउट शेड्यूल के अंदर ज़रूर ऐड करें। इसके जो सेट लगाने हैं आपको 4 लगाने, और तीसरी एक्सरसाइज होगी, एक एक्सरसाइज और करेंगे हम लास्ट, हैमर एंड इसके बाद रिवर्स कर्ल। तो ये ज़्यादा लंबा वर्कआउट नहीं है, ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट का वर्कआउट होगा आपका, अगर आप ढंग से मन लगाए करेंगे तो। आपने देखा अभी मैंने लगाया भाई डंबल कर्ल, ये आपकी 4th एक्सरसाइज होगी डंबल कर्ल। और अगर आप डंबल कर्ल कर रहे हैं तो इसके साथ में आप इसके बाद हैमर भी ले सकते हैं, जो कि आपकी 5वीं एक्सरसाइज होगी। अगर आप सिंगल पार्ट कर रहे हैं, सिर्फ बाइसेप्स मार रहे हैं, तो आपको जस्ट इसके बाद में क्या लेना है, 4 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको हैमर कर्ल लगाने। एंड हैमर कर्ल को इफेक्टिव बनाने का तरीका है, जितना आप स्लो रिलीज करेंगे ना उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो अभी तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं भाई वेंस वगैरह आपको नज़र आ ही रही होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो परफॉर्म कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि आपका जो मसल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले पाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मसल वेयर एंड टेयर होते हैं। गाइस हमारा बाइसेप्स का ऑलमोस्ट वर्कआउट खत्म हो चुका है, लास्ट वर्कआउट है रिवर्स कर्ल। रिवर्स कर्ल में आपको ज़्यादा वेट नहीं लेना, मॉडरेट वेट रखना है, रैप आपको ज़्यादा निकालने, कंट्रोल में और स्लो करना है। तो पोजीशन आपको पता है किस तरीके से लगानी है आपको, एक बार देख लो आप, यहाँ लेकर आएंगे स्लो रिलीज, ऊपर स्लो,
क्योंकि ये आपके बाइसेप्स के अंदर बहुत छोटी मसल होती है ब्रैकियाई, उसके ऊपर भी काम करती है एंड उसके साथ में आपके फोर आर्म्स के ऊपर भी काम करती है। तो ये ओवरऑल आपके आर्म्स को ट्रेन करने का काम करती है एंड इससे आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। अगर आप बहुत हैवी वेट लिफ्ट वगैरह करते हैं तो वो इजीली आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 12 रैप्स वर्कआउट में ये बिल्कुल लास्ट में लेना है। तो अभी आप देख लो भाई पंपिंग कैसी आ रही है। तो गाइज ये था आज का हमारा वर्कआउट बाइसेप्स का, ऑलमोस्ट हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना और आगे और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।